तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज IRFC कंपनी के बारे में। और IRFC के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 1 से 1.5% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो हमें तेजी, और उसी के साथ काउंटर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो ओवरऑल एक फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी बनता हुआ देखने को मिला है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर राइट नाउ अभी फिलहाल के लिए IRFC की, तो ओवरऑल रेलवे सेक्टर की, तो यहाँ पर एज वी ऑल नो की बैंड बची हुई है, एंड आने वाले टाइम में भी यहाँ पर जो है वो शायद से ये बैंड और भी ज़्यादा हमें जो है वो बचती हुई देखने को यहाँ पर मिल सकती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो FIIs जो है वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्श हो चुके हैं, एंड वो कंटिन्यूसली यहाँ पर अपने इंडियन मार्केट्स में सेलिंग कर रहे हैं। अब IRFC का क्या यहाँ पर व्यू है, तो अगर हम यहाँ पर अपने मेन थिंग को EMA को प्लॉट करके देख ले, तो IRFC भी सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स व्यू यहाँ पर क्लियर है नेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो क्लियरली EMAs आपको शो कर रहे हैं, तो जब तक ये EMAs को, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर 200 एंड 100 EMA को क्रॉस करके IRFC ऊपर नहीं निकलता, तब तक के लिए जो इसका ट्रेंड है वो एज इट इज़ नेगेटिव ही देखने को मिलेगा।